हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी और ये सुबह अभी मैं और शायन जा रहे हैं थार में कुछ एक्सेसरीज लगवाने। भाई साहब, जब से थार आई है ना, शायन तो थार की चाबी ही नहीं छोड़ रहा। भाई साहब ये चाबी लिए बैठा है, कभी उसका लॉक खोलता है, कभी बंद करता है, खराब करेगा इसे चाबी को। गाइस मैं इससे कह रहा हूँ चाबी दे दे, मुझे भी नहीं दे रहा। भाई चाबी गुम हो जाएगी ना तो दूसरी चाबी 20 दिन बाद आती है इसकी कंपनी से। चलाओगे कैसे? भाई धन्नो के लिए इसका प्यार अभी भी खत्म नहीं हुआ। भाई अभी भी बैठ सकता है उसमें, थार आने के बावजूद भी धन्नो में घूमेगा। हाँ। सब्सक्राइबर क्या कहेंगे यार, इतनी बढ़िया गाड़ी है इन पे। सब्सक्राइबर तो यूट्यूब के हमारे तो धन्नो है। गाइस हमारी थार में ना मैट नहीं आए थे, तो अभी एक्सेसरीज की दुकान पे चलते हैं और मस्त से मैट डलवा के लाते हैं। सिंपल डलवाने या मस्त वाले डिजाइन वाले? तो गाइस चल के देखते हैं वहाँ कैसे कैसे डिजाइन दिए। तो गाइस देखो, हमने प्लॉट में खड़ी कर दी थी अपनी गाड़ी। ये देखो भाई कैसी लग रही है हमारी धन्नो। बाकी गाइस गंदी बहुत होती है यार ये ब्लैक गाड़ी। आके साफ करेंगे इसको। गाइस इस गाड़ी में सबसे मस्त पता क्या है? ये भाई साहब पहले सिल्वर का आता था ना, तो कंप्लीट ब्लैक कर दिया है। मेरे दिमाग में शुरू से ये थी कि जैसे ही थार लेंगे ना तो इसे ब्लैक करवा दूंगा मैं, मगर भाई साहब सीधा खर्चा बचा दिया महिंद्रा ने, ये काला करके दे दिया। भाई इसे कहते हैं भाई साहब मजा आ जाना, 3-4 हजार रुपए का खर्चा बच गया। ये देखो पागल कहाँ चढ़ रहा है, ये मजा आएगा इस गाड़ी का, कहीं भी चढ़ जाओ भाई। अभी ये छाया में खड़ी है इसलिए चढ़ गया तू, कभी धूप में खड़ी हो ना तो भूल के भी मत चढ़ जियो। गाइस देखो कल से अब तक कितनी गंदी हो गई है, शायद बहुत गंदी करता है गाड़ी, इसलिए मैट गिरवाने जरूरी है। और एक आध दिन में ना गाइस इसकी सारी पन्नी वन्नी उतार देंगे। अभी एक आध जगह लेके जानी गाड़ी, इसलिए पन्नी लगा रखी है। मुझे पन्नी वन्नी पसंद नहीं है ज्यादा। मुझे भी पन्नी पसंद नहीं है। गाइस ने फिर हटा देंगे क्योंकि इनमें गर्मी बहुत लगती है यार। देखो मैंने पीछे की भी हटा दी। ये देखो शायद ने आती हटा दी पीछे की, बढ़िया करा भाई। अब इन्हें भी हटा देंगे, आज रहने देते हैं क्योंकि भाई एक आध दिन तो नहीं लगनी चाहिए गाड़ी। ये देखो गाइस यहाँ पे भी पन्नी लगी हुई है, अभी मत हटा कल ही हटाएंगे सारी। तो गाइस अभी विशाल आ चुका है सोसा के, पूरा दिन रात सोता रहता है। अभी चलते हैं मस्त एक्सेसरीज की दुकान पे और देखते हैं कैसे कैसे मैट है। बड़ी वाली लगवाना है यार जो बहुत टाइम तक चले। और गाइस एक्सेसरीज में ना एक एम्बिएंट लाइट लगती है, वो भी लगवाने की कोशिश करेंगे। मैं बिल्कुल 2 सेकंड बाद बोलने वाला था कि एम्बिएंट लाइट जरूर लगवाना, जिससे फोन से चेंज कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं एक्सेसरीज की दुकान पे और ये देखो भाई मैट ये वाले लिए हमने, अभी देखते हैं भाई कैसे लगते हैं लगने के बाद। ये बैठा था गाड़ी में। ये देखो भाई साहब मस्त पिटबुल, पिटबुल है एक नंबर लग रहा भाई। ये बैठा भाई, भाई ये गंदा बच्चा है भाई पिटबुल। देखो ये चश्मे लगा के सिगरेट पी रहा भाई, ये सेंटर बिगाड़ देगा। गाइस देखो कुछ ऐसे है मैट लग के भाई साहब मस्त लगेंगे, मगर व्हाइट सिलाई वाले ज्यादा बढ़िया लगते हैं, पर यार वो गंदे हो जाते हैं मिट्टी लग के। शायद ठीक है मैट बढ़िया लग रहे हैं। तो गाइस अभी मस्त मैट डलवा दिए हैं। तो गाइस अभी घूम घाम के आ चुके हैं घर, पर ये देखो दोबारा से छत पे चढ़ रहा हूँ। अभी गाइस गाड़ी को लेके जाएंगे शायंस के मामा के घर, शायंस को घुमा के लाएंगे। मैं नहीं जा रहा। पर गाइस आपने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा होगा जो मामा के घर ना जाना चाहता हो। शायंस ऐसा बच्चा है जो मामा के घर जाना ही नहीं चाहता क्योंकि उसके पास थार आ चुकी है, इसलिए थार चक्कर में नहीं जा रहा है। हमें पता है ना इसके बारे में? पापा जी भी नहीं जाते अपने मामा के घर। पापा जी इतने बड़े मामा घर जाएंगे? पक्का पकड़ूंगा आज। ये देखो गाइस कहाँ से कूद रहे हैं। तो गाइस देखो अभी खै भी आ चुका है, अभी मैं शायंस को चॉकलेट दिलवाने ले जा रहा हूँ क्योंकि हमें कहीं जाना है ना शायंस के मामा के घर, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए चॉकलेट लेके आते हैं भाई। तो गाइस अभी चलते हैं बेकरी पे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं बेकरी पे, अभी मस्त मस्त चॉकलेट ले लेते हैं। तो गाइस देखो कितनी सारी चॉकलेट ले ली हमने, भाई साहब कितनी सारी चॉकलेट है। और मैंने अपने लिए ले लिया ये चिप्स का पैकेट। तो गाइस अभी सारी चॉकलेट ले आए हैं, अभी मिठाई की दुकान पे और चलते हैं और वहाँ से मिठाई लेके आते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं होम स्वीट्स पे। चाइस कौन सी मिठाई लेनी है तुझे? मुझे नहीं लेनी। तो गाइस अभी मिठाई ले ली है, अभी चलते घर। तो गाइस देखो बहुत दिन बाद गोली आ गया मामा के घर। भाई क्या करने आया तू यहाँ? नाचने। वो नंगा नाच के दिखा। गाइस अभी हम जा रहे हैं राजस्थान शायंस के मामा के घर और शायंस को वहीं छोड़ के आ जाएंगे। प्रैंक कर दिया बहुत गंदा वाला। ये देखो गाइस गाड़ी की ऑफ रोडिंग हो रही है भाई साहब, बहुत ही मस्त। गाइस छोटी गाड़ी तो बहुत तेज चलती है इन गड्ढों में, मगर भाई ये गाड़ी ना बिल्कुल स्मूथ चल रही है भाई, मजा आ गया भाई। असली ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी है, मजा आ रहा है। मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि हम उबड़ खाबड़ रास्ते में हैं। मैं चला लूंगा गाड़ी। उसके लिए तुझे 18 साल का होना पड़ेगा, उसके लिए तुझे मैं जितना होना पड़ेगा। गाइस यार मैं शायंस को छोड़ने आ गया, नहीं तो भाई सब पतंग उड़ाते, आज मस्त मौसम हो रहा है। ये देखो भाई बादल हो रहे हैं बढ़िया। और ये देखो गाइस इन्होंने तो बेशर्मी की हद कर रखी है भाई। बोलो जुबा के सरी। अबे ऐसे नहीं बोलते भाई, ऐसे बोलते हैं देख। बोलो जुबा के सरी, दाने दाने में केसर का दम। विमल बोलो जुबा के सरी।
दाने दाने में केसर का दम अजय देवगन स्टाइल में सनी देओल में बोलू ओए बिमल मत खाई ओए ओए ये बहुत गंदी है चीज जब ओए भैया भैया बिमल मत खाना भैया मुझे बिमल चाहिए पापा तो गाइस अभी शायंस को छोड़ा है अभी हम जा रहे हैं भाई पार्टी करने मस्त होटल हाईवे किंग ढाबा। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं होटल हाईवे किंग। ये भाई नया ढाबा खुला है नेशनल हाईवे नंबर 8 पे। तो आज इसका फूड चेक करते हैं। इस पे हम कभी भी नहीं आए, अभी रिसेंटली खुला है, एक आध साल से, कोविड के बाद ही खुला है। तो भाई इसको आज टेस्ट करेंगे, इसका आज फूड लॉगिंग करेंगे इसके साथ। साइंस की फेवरेट चीज मिल गई, साइंस वो देख सामने, ट्रेन दिखाओ भाई साइंस की। ये देखो गाइस यहाँ पे भी हमें मिल चुकी है ट्रेन, भाई बहुत ही मस्त ट्रेन है, चारों तरफ घुमाती है मस्त। भाई ये सेम टू सेम आर्या मॉल वाली ट्रेन है, डिट्टो भाई डिट्टो, आर्या मॉल वाली ट्रेन की मस्ती बेटी है। और ये देखो गाइस यहाँ पे मस्त गेम जोन भी है भाई, इसमें बढ़िया बाइक है और बैलून वाली गेम है। ये देखो भाई यहाँ का कुछ गार्डन एरिया, सब पब्लिक चिल कर रही है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं, बाकी भाई अंदर से बहुत मस्त बनाया हुआ है, मस्त है भाई। गाइस दूसरे हाईवे किंग के मुकाबले तो बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है, मॉडिफिकेशन कर रखी है इसकी बढ़िया। तो गाइस आज विशाल की वजह से इतना लेट हो गए ना भाई साहब, 10:30 बज गए अभी तक रोटी नहीं खाई मेरी वजह से क्या हुआ है। बाकी गाइस अभी हमने ऑर्डर कर दिया है, जैसे कुछ आएगा खा पी के फिर चलते हैं भाई। बहुत ही क्विक सर्विस है, फूड आ भी गया भाई 2 मिनट के अंदर, भाई फैन हो गया मैं होटल हाईवे किंग का, बहुत ही बेस्ट सर्विस, क्विक एकदम क्विक। तो विशाल क्या रिव्यू है, जितनी हाइप बनी उतना चखाना नहीं लगा भाई, ऊंची दुकान फीके पकवान, इससे बढ़िया था भाई हमारे हरिओम रसोई का लाख गुना बढ़िया खाना है। हरिओम टक्कर पे नहीं है भाई कोई भी, हरिओम और राजमहल दोनों टक्कर पे कोई नहीं, लिटरली गाइस मजा नहीं आया। इससे बढ़िया तो इसमें गेम खेल लेते ना मजा आ जाता, जगह पैसे इन्वेस्ट होते या ट्रेन में बैठ जाते तो भी मजा आता, चांस होता ना जरूर बैठते इस ट्रेन में। अब यार स्पेशली एक दिन आना पड़ेगा दोबारा यहाँ, सिर्फ ट्रेन में बैठने के लिए और उसमें गेम खेलने के लिए, चांस को लेके आएंगे।